नमस्कार, आप देख रहे हैं टीटीएन 24 और मैं श्रुति दुबे। खबर आ रही है आगरा से, जहां 1 जुलाई को जीएसटी दिवस की 5वीं वर्षगांठ, केंद्रीय माल एवं सेवा कर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय 113/4 संजय प्लेस आगरा के सभागार में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन एवं वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी की गरिमा में उपस्थिति में पूर्वाहन 11 से विज्ञान भवन नई दिल्ली के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। जीएसटी डे आज का 5वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो किसी भी सुधार या रिफॉर्म को उसको उसके बारे में पूरी तरह उसको निर्णय लेने के लिए 5 साल का जो समय होता है वो बहुत ही बड़ा समय होता है, और जिसके अंतर्गत सारे जो रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने होते हैं और आप उसको जज कर सकते हैं कि उससे कितना हमको फ़ायदा हुआ है या फिर कौन सी परेशानियाँ हमको आगे आने वाली हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जीएसटी जब 1 जुलाई 2017 को स्टार्ट हुआ था, तब उस समय 80 लाख का असेसी वेस, 80 लाख लगभग असेसी वेस था, जो आज बढ़कर लगभग 1,36,00,000 हो गया है। और उसी तरह जो रेवेन्यू कलेक्शन था उस समय जब लगभग 80 लाख करोड़ का था, जो आज बढ़कर कहीं 1,60,00,000 के आसपास पर पहुँच गया है। और इसी कड़ी में सब लोगों को जो हमारे जो स्टेक होल्डर हैं जीएसटी के लिए, उसमें जो डिपार्टमेंट तो हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, लेकिन जो हमारा जो कंधे से कंधा मिला के साथ दिया हमारे व्यापारी भाइयों ने, विभिन्न ट्रेड एसोसिएशन ने और वकील्स ने, वकील हैं हमारे जो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और सभी लोगों ने, तो उन सभी का जो धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए आज हमने उनको यहाँ पे आमंत्रित किया है, और हम सब अपने डिपार्टमेंट की तरफ से उनका ज्ञापित कर रहे हैं, और उनका इस पूरे जो जो समय के अंदर जो योगदान है जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन में, उसको हम बहुत ही सराहनीय उन्होंने योगदान दिया है, उसको हम आज एक्नॉलेज कर रहे हैं। विज्ञान भवन से कुछ प्रसार किया गया था आज विज्ञान भवन में, जो सेटेलाइट जो इसका आयोजन हो रहा है उसमें हमारी माननीय वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री दोनों शामिल हैं, और उन लोगों का उद्बोधन भी हम हमारे ऑफिसर्स के लिए और हमारे जो ट्रेड के लोग हैं उनके लिए बड़ा एक आगे प्रेरणा के लिए काम करेगा। इसी क्रम में हम उसको लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, जिससे अगले आने वाले समय में हमें क्या करना है और ये हमारी क्या गाइडलाइंस होगी आगे के लिए, उसको हम आज हम समझ पाएंगे और उसको उसी तरह उसको इम्प्लीमेंट करने में हम जीएसटी को और आगे बढ़ाने में योगदान देंगे। सर, न्यूज़ पर क्या कुछ कहना है? जीएसटी देखिए, जीएसटी की जो दरें लागू हुई है, दरें सब पहले से ही हैं, सब ये रैशनलाइज का प्रोसेस है। जो जीएसटी काउंसिल जो सुप्रीम बॉडी है जो ये जीएसटी के दरों को डिसाइड करने के लिए, वो फिटमेंट कमेटी के आधार पर जितने भी तथ्य और आंकड़े होते हैं उसको मद्देनजर रखते हुए, कि जिससे कि जो जीएसटी का मेन पर्पज है वो है कि जो टैक्स का जो कैस्केडिंग इफेक्ट है वो कम हो, और जो रेवेन्यू सिस्टम है वो एक तरह से इंटीग्रेटेड हो किसी तरह की, मतलब सब और जो ITC है वो सीमलेस रहे। नॉन ब्रांडेड खाद्य सामग्री पे टैक्स लगाया है उसके चलते? हाँ, ये एक प्रोसेस है जिसमें कि नॉन ब्रांडेड खाद्य सामग्री पे भी टैक्स नहीं लगाया है। बेसिकली जो प्री पैकेज गुड्स हैं वो प्री पैकेज गुड्स पर टैक्स को लगाया गया है। इसका मतलब है कि एक होता है कि जो खुदरा में जो भारत। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर, आगे खबरों के लिए बने रहिए टीटीएन 24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।